नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा था, हम आ गए हैं अपने गांव, घर आ गए हम। और अब बज गए हैं 12 बजने वाले हैं, ये तो मतलब 10 ही सोच रही हम तक बजे होंगे, तो 12 बजने वाले हैं। और सुबह से हम लगे हुए हैं अपने काम पर, साफ सफाई करने का ही काम होता है सबसे पहले यहाँ आने के बाद। और यह है देखिए बप्पू दास, इसकी तबीयत थोड़ी सी ढीली है। वैसे इस बार ये इतनी चिड़चिड़ नहीं कर रही, आने में आ जाती है। पिछली बार ना इसने बहुत परेशान करे, रोती थी हमें देख देख के। इस बार रो तो नहीं रही, लेकिन जबरदस्ती लो तो आ जाती है ना। और अभी ये उठी है, सो गए, नाई नाई करके ये सो गई थी। अब तबीयत थोड़ी सी इसकी डाउन है, इसको हो रहा कोल्ड, कोल्ड हो रहा। तो मैं लगी हुई थी साफ सफाई में, और जो नीचे का पोर्शन है वहाँ तो अक्सर हो गई है, ज़्यादातर सफाई बस रह रहा है बाहर का धोना, गैलरी का। और अभी लाइट नहीं आई हुई, जब लाइट आएगी तो धोंगी। और अब मैं चलती हूँ ऊपर छत पे, वहाँ पे भी करना है जाके मुझे। मैं रुचि दोनों चलेंगे, रुचि भी तैयार बैठी, नीचे का कर लिया हम दोनों ने, अब ऊपर चलेंगे, ऊपर का धोना कमरा जो है हमारा वो क्लीन करूंगी। और बाबूजी जा रहे हैं तेल निकलवाने, क्योंकि त्योहार के टाइम तेल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। सिरसों रखी हुई थी करो, और वो जो घर सिरसों हमारी अपने खेत में हुई थी ना, तो सरसों हुई थी, वो पहले भी एक बार दिखाया था, ले गए थे ना आप पिड़वाने के लिए। और आज फिर ये तेल पिड़वाने जा रहे हैं, और ये अभी नहीं नहाए अभी तक। नहीं, मैं नहा ली थी, ये नहीं नहाए, बस माँ के काम निपटा गए। हाँ, सुबह से कुछ ना कुछ चुटर पुटर काम इतने होते हैं, जब काफी दिन में आते हैं ना तो बहुत काम ऐसे होते हैं जो छुटे रहे हैं अब करने पड़ते हैं। और मम्मी भी हमारे साथ लगी हुई है लगातार, तो सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। और ये जा रहे हैं तेल निकलवाने, वहाँ दिखाओगे कैसे निकलवाते हैं तेल है? लाइट तो आ गई है फिर, कोशिश करूंगा जो लाइट मिल गई तो दिखा दूंगा, नहीं मिलगी तो कोई बात नहीं। इंजन नहीं है, इंजन भी होगा शायद। चलो तो ये वहाँ जा रहे हैं, ट्रैक्टर इन्होंने स्टार्ट कर दिया, मैं दिखाती हूँ ईशु। ये ट्रैक्टर इन्होंने स्टार्ट कर लिया, और ये जा रहे हैं तेल पिटवाने। इसमें रख लिया सरसों, अच्छा सरसों भी रख लिया कट्टे। ये अभी जा रही है, जा रही, और ईशु भी जाएगी, ईशु भी कह रही मुझे भी जाना। तो जी, ये पहुंच गए हैं तेल निकलवाने, जो सरसों होती है उसका तेल। और ये देखिए, ये है तेल निकालने की मशीन, इसको बोलते हैं स्पेलर। और ये गांव में ही लगी हुई है, अभी लगी है, पहले नहीं थी, पहले तो कहीं और निकलवाना पड़ता था गांव में जाके, तो इस बार अपने गांव में ही निकलवा लिया तेल। और ये देखिए, ऊपर से उधर दूसरी साइड से डलती है सरसों, और ये जो कनस्तर रखा है इसमें निकल रही है खल, और जो बाल्टी रखी है इसके नीचे इसमें निकलता है तेल, और ये गोल गोल सा है इसमें डलती है सरसों। तो सरसों जो डलती है उसमें से फिर तेल निकलता है और खल बनती है। तो तेल को अलग किया जाता है और खल को अलग, और वो खल तीन बार करके निकल ली जाती है, मतलब तीन बार में ऑयल निकलता है अच्छे से। तो ये अपने काम पर चले गए, वहाँ तेल निकलवा रहे, और हम लग गए हैं अपने काम पर, जो ऊपर वाला कमरा है उसकी साफ सफाई करने। नीचे वाले का तो मैंने ज़्यादातर कर दिया, धुलाई वगैरह नहीं हुई, वो मैं मतलब कल करूँगी, आज तो शायद टाइम नहीं लगेगा। अभी भी रह रहा है, लाइट भी नहीं थी और कपड़े भी मेरे पड़े थे, तो मैंने सोचा चलो जब तक लाइट नहीं है तो ऊपर जाके कर आते हैं साफ सफाई। और यहाँ हम दोनों बहनें लगे हुए हैं, मैं भी और रुचि भी। तो ये कमरा जब हम आते हैं तभी साफ होता है, वैसे तो एक तो ये यूज नहीं करते, ऊपर आते भी नहीं जब तक, और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। बाहर मेन रोड है हमारे, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, और वैसे तो करो ना करो लेकिन फिर लेटने में बैठने में परेशानी रहती है आके सबको, तो यहाँ फिर हमें करनी पड़ती है। और मेरे से इतना ज़्यादा देखा भी नहीं जाता, मतलब गंदा होया रहे ना तो बहुत यूमन करता है अभी कर लो, लेकिन अब ना शरीर से बिल्कुल नहीं होता काम, और मैं इतनी थक जाती हूँ, करना तो पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और कमर में इतना दर्द हो गया था शाम तक करते करते बहुत ज़्यादा, और मम्मी और रुचि नहीं कर पाती, मम्मी की तो अब तबीयत ख़राब रहती है, मम्मी से काम नहीं होता, और रुचि को फिर घर का भी करना पड़ता है, और उसके पास छोटी गुड़िया है तो गुड़िया को भी संभालना और काम भी करना, तो ये सब चीज़ें साफ़ सफाई का उससे हो नहीं पाता। तो वो नीचे का जो है मतलब मेन मेन काम साफ़ सफाई का या खाने का वो ही कर पाती है।
और गाय का भी है, गाय का भी अब रुचि को ही करना पड़ता है दूध दाध का काम, तो इसलिए वो ज़्यादा साफ सफाई का नहीं कर पाती। तो जब हम आते हैं या तो मैं आती हूँ या इंदु, तभी हमें करवाना पड़ता है यहाँ पे। तो खैर जैसे कैसे छोटी गुड़िया बड़ी हो जाएगी, फिर रुचि अपने आप करने लगेगी। ये तो भाई देखो सबके साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके छोटे बच्चे आते हैं थोड़ी परेशानी रहती है, और मम्मी भी बीमार रहती है इस वजह से। तो खैर जैसे कैसे हम दोनों बहनों ने यहाँ मिलकर सारी साफ़ सफाई कर दी, पूरे कमरे की कर दी है धुलाई अच्छे से। और मिट्टी इतनी हो रही थी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। पहले हमने फ़र्श को धोया पानी डालकर, और उसके बाद फिर हमने पोछा लगाया। तो बस लग रहे हैं दोनों बहनें, और बेडशीट वगैरह डाल दी है नई वाली अच्छी, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है और दीपावली पर ही सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो अंदर का जो रूम है वो हमारा हो गया है क्लीन। और रुचि फिर चली गई थी नीचे, क्योंकि छोटी गुड़िया रोने लगी थी, उसको सुलाने के लिए चली गई थी वो। और फिर मैंने जो बाहर वाला पोर्शन है एक साइड का तो कर दिया था, फिर बाहर जो दूसरी साइड का वो भी कर दिया। तो जी यहाँ कमरे की जो क्लीनिंग का काम था ये हो गया हमारा, और बहुत गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा। और इसमें कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया, मैं दोनों बहनों को लगे हुए, रुचि भी लग रही थी, मैं भी। रुचि अभी गई है नीचे, छोटी गुड़िया रोने लगी थी, इसको लिया उसने। और बस कमरे की जो क्लीनिंग थी वो होगी, और जो सोफे के कवर है वो धोने हैं, वो नीचे लेके जाऊंगी, उतार दिए मैंने, धो जाएंगे जब फैला दूंगी। तो अब जाके नीचे धोती हूँ कपड़े, और बस ज़्यादा सफाई इसलिए ज़्यादा गंदा हो जाता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई लेटता नहीं बैठता नहीं, ये बंद ही रहता है। जब हम आते हैं ना, जब भी खोलते हैं हम इस वाले रूम को, तो ये बंद रहता है, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ बाहर रोड है मेन रोड, तो वो चलती बहुत ज़्यादा है, और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है इस वजह से, तो ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो खैर जैसे भी अब थकी बहुत ज़्यादा, सुबह से लगी हुई बहुत ज़्यादा थकन होगी, और दर्द भी हो गया कमर में। और अभी धोने हैं मुझे कपड़े, कपड़े भी हमारे भी पड़े और यहाँ के भी। रुचि वैसे तो मशीन पहले लगा ली थी, लेकिन लाइट चली गई थी बीच में, इस वजह से तो कपड़े बीच में ही रह गए थे, तो बस कपड़ों पर लगते हैं जाके। तो ऊपर से आने के बाद फिर मैंने धोए हैं कपड़े, कुछ कपड़े मैंने हाथ से धोए हैं जो नए वाले हैं, और कुछ धोए हैं मशीन से। यहाँ भी हम दोनों बहनें ही लगी, नहीं रुचि खाना बना रही है और मैं लग गई हूँ कपड़े धोने में, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था, लगभग 1 बज गया था, तो वो खाना बनाने लगी और मैंने कपड़े धो दिए सारे। तो जी जो ऊपर का छत की साफ सफाई भी हो गई थी, फिर नीचे आके हमने कपड़े कुपड़े भी धो लिए, और कपड़ों का भी देखे पूरा ढेर लग रहा छत पर, ये देखिए हाँ दिख रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं दिख रहे हैं नहीं। और बस अब खाना पीना हो गया हमारा, और रुचि ने कर दिए हैं बर्तन वगैरह साफ कर दिया, मैंने कपड़े धो लिए, और बस अब मुझे करनी है जो पीछे वाले मकान है ये कच्चे, इनमें करना है गोबर लीपना, क्योंकि कल है बड़ी दीपावली, आज छोटी दीपावली है, और छोटी दीपावली को ही लीपते हैं, क्योंकि कल मावस भी है। वैसे तो सुबह के टाइम भी कर लेते हैं, लेकिन सुबह फिर पूजा पाठ करनी पड़ती है, लेट हो जाएंगे, तो इसलिए मैं अभी लीप दूंगी। ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी ही जगह है ये, बस इतना ज़्यादा लीपने में टाइम नहीं लगता जितना यहाँ साफ सफाई करने में टाइम लगता है, बस थोड़ा सा ज़्यादा साफ सफाई का है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं करूँगी मैं, थोड़ा थोड़ा करूँगी, जिससे ये थोड़ा संगवास ही दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि तबीयत हो रही मेरी ख़राब, और कमर में बहुत दर्द हो रहा। अभी अभी भी टैबलेट ली, थोड़ी सी देर 5 मिनट बैठी, लेकिन दर्द अब भी बहुत ज़्यादा है, और करना पड़ेगा वरना फिर मम्मी को करना पड़ेगा, मम्मी से भी नहीं होता अब, मम्मी की भी कमर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। तो मैं कह रही मैं कर दूँगी, मैंने कहा नहीं चलो जैसा कैसे मैं ही कर दूँगी। तो यहाँ बस फटाफट से मैं झाड़ू लगा के साफ सा करके थोड़ा सा, तो यहाँ लीप दूँगी गोबर। तो बस फटाफट से मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। और जी झाड़ू मैंने लगा दी, अब मुझे फेरनी है गोबरी, और सबसे पहले इसके लिए दूंगी चीरन, जो साइड साइड में देखते हैं, इसके लिए मैंने मंगा ली है खड़िया, जो वाइट खड़िया होती है वो है ये, और इसको पानी में डाल के छोड़ दूंगी 2 मिनट के लिए, तो ये घुल जाएगी अच्छी, और फिर इससे चीरन दे दूंगी साइड में। तो ये घुल जाएगी, 2 मिनट रख दूंगी इसे, 2 मिनट में ये घुल कर तैयार हो जाएगी। अब ये है गाय का गोबर, इसको पानी के अंदर ऐसा घोल लेंगे, पानी भी ले लिया। और ये है लाल मिट्टी, ये गोबर में ही काम आती है, जो गोबर लीपते हैं उसी में ही, तो ये इसके अंदर डाल लेंगे कलर के लिए। इसे मैं घोल लूंगी अच्छी तरीके से,
और वैसे तो गोबर डाल के तो थोड़ा सा ये ऐसा फटा फटा सा रहता है, लेकिन जब लाल मिट्टी डल जाती है ना तो बिल्कुल चिकना हो जाता है इस तरीके से, और इसका कलर भी रेड हो जाएगा। और फिर इसको बस ये बीच वाला स्पेस है जो, इसमें तो ये लीप देंगे गोबर, और जो साइड साइड है इसमें बाउंड्री बना दूंगी, इससे जो चिरन है ये वाइट वाली खड़ी है इससे। तो बस शुरू करती हूँ अब लीपना, दोनों चीज मैंने तैयार कर दी घोल के। अब पहले लीपूंगी चिरन और फिर बाद में गोबर। ये देखिए ये साइड साइड में ऐसे दीवार के पास इस तरह इसकी बाउंड्री सी बना देते हैं, जैसे आउटलाइन करते हैं ना ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग में बीच में कलर करते हैं और साइड में आउटलाइन, तो इसी तरीके से ये दीवार के पास इसकी बाउंड्री बन जाएगी व्हाइट वाले की, और फिर बीच में ये रेड वाला लीप करेंगे। और बहुत अच्छा लगता है ये लीपने के बाद कलर इसका। यह व्हाइट वाला तो हो गया काम, जो क्या बोल रहा है खड़िया वाला, अब लीप दूंगी गोबर। देखिए जैसे कि ये व्हाइट वाली बाउंड्री है और इसके साइड साइड में ऐसे हम बिल्कुल लाइनिंग से सीधा ऐसे लाइन कर देंगे, और ये अब ये जो रेड वाला है गोबर का तो इससे लीप करेंगे। इसमें वैसे तो लोग बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर भी बनाते हैं, जैसे जिसे आपको है ज्यादा करना, मुझे ज्यादा नहीं आता, बस मैं तो सिंपल सा ही ऐसे ही फूल सा बना के बना देती हूँ। लेकिन यह है भाई अपना काम जैसे भी कैसे चला लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे ये काम नहीं आता, जैसा भी काम करना पड़े ना ऐसा मैं कर लेती हूँ, और ऐसा नहीं करती कि मुझे ये नहीं आता, भले ही ना भी आता हो लेकिन उसे मैं करने की कोशिश करूँ काम को, और वो हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे से फूल बना के, और बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह करें ना मिट्टी के जो घरों में कच्चे, उनको सब अपने घरों को ऐसे ही लीपते हैं। अब तो खैर कम हो गए, सबके घरों में फर्श वगैरह हो गए, लेकिन पहले तो सबके घर कच्चे ही थे मिट्टी वाले, और सब ऐसे ही अपने घरों को लीप के सुंदर बनाते थे। और जब त्योहार होते थे ना तो तब तो दीवारों को भी लीपते थे कच्ची, जो कच्ची मिट्टी वाले घर होते थे, मतलब दीवारें भी मिट्टी वाली होती थी, उनको भी लीप के ऐसे ही करते थे, फ्लावर बना बना के बहुत सुंदर सुंदर देखे मैंने, किसी किसी के घर बहुत अच्छे अच्छे लीप के तैयार करे थे। तो इसी तरीके से मैं सारा ये लीप दूंगी। तो जी ये देखिए गोबरी मैंने लीप दी है पूरे घर में, और देखिए कितना सुंदर लग रहा, और अभी ये गिल्ला है, अगर सूख जाएगा तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा सूख के। देखिए पूरा घर बन गया मेरा सुंदर, मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरे से, ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया एकदम। जब ऐसे घर लिप जाता है ना तो फिर यूं लगता है फर्श भी कुछ नहीं है इसके सामने, जब इस तरह घर लीप का साफ सुथरा कर लेते हैं। जी मेरा काम हो गया है ये, अब घर तो लीप दिया, अब अपने भी आप लीपने का टाइम आ गया, मुझे भी नहाना धोना है। वैसे सुबह तो नहा ली थी लेकिन अब फिर नहाऊंगी, सुबह से धूल मिट्टी में हो रही है और बाल भी धोने हैं, तो अब मैं काकी से मिलवा दो, छोटी काकी से मिलवा दिया था गंजू टकलू थे, गंजू टकलू के तो मजे आ रहे गोद में लेने वाली मिल रही इसे तो, है ना। यही सुन अपना डाल लिया झूला, डलवा लिया अपने चाचू पे, बस अब तो ये जब तक यहाँ रहेगी ना इसी पे ही रहेगी, और ये देख कैसे हंस रही है।
हाँ यू सोच रही मैं पकड़ लूंगी इसको। तो जी बस अब हो गया शाम का टाइम, लगभग 4 बज गए, 4 सवा 4 हो गए और अब मैं नहाऊंगी, सिर धोऊंगी। तो बस वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।